तो गाइज आप मेरे स्क्रीन पर दीजिए बीत वाला फोटो स्टेटस वीडियो देख सकते होंगे, इसी वीडियो का एडिटिंग आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो बस आप हमारे वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और ये स्टेटस वीडियो रील्स पर काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है, तो आपसे गुजारिश है कि आप भी कुछ इस प्रकार का दीजिए बीत वाला स्टेटस वीडियो बनाइए और अपलोड कर दीजिए। तो ऐसा वीडियो बनाने के लिए आपके मोबाइल में VN वीडियो एडिटर ऐप होना चाहिए, नहीं है तो लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड कर लेने के बाद चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन और एक लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। तो हम आ गए अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और यहीं से VN वीडियो एडिटर ऐप को ओपन कर लेते हैं। तो चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहीं से प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और यहीं से फोटो वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको 14 फोटो को ऐड कर लेना होगा। तो चलिए ये जो काम है हम तेज़ी में करके आपको दिखा देते हैं। तो हम अपने 14 इमेज को ऐड कर लिए, उसके बाद यहीं से एरो वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। और यहीं से ओरिजिनल पे क्लिक कीजिएगा और इसका जो रेशियो है आप यहां से 9 और 16 का कर दीजिएगा और कहीं भी खाली जगह पर एक बार टैप कर दीजिएगा और आप बारी बारी से देख लीजिएगा कि आपका जो इमेज है फुल स्क्रीन में है या फिर नहीं है। अगर नहीं होगा तो आप उसको कर लीजिएगा। कैसे करना है चलिए आपको दिखा देते हैं। मान के चलिए ये जो इमेज है फुल स्क्रीन में नहीं है तो इसको फुल स्क्रीन में करेंगे। तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा, उसके बाद दो फिंगर के हेल्प से आप इसको जूम कर लीजिएगा, जैसे आप रखना चाहते हैं आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। तो ये जो काम है आप तेज़ी में कर लीजिएगा। तो चलिए हम तेज़ी में करके आपको दिखाते हैं, हम अपने सभी इमेज को फुल स्क्रीन में कर लेते हैं। देख लेते हैं आप सबके सामने मेरा कोई भी फोटो छोटा तो नहीं है, ठीक है। आप सबसे पहले इसको फुल स्क्रीन में कर लीजिएगा। तो आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो कि हमारा जितना भी इमेज है फुल स्क्रीन में है। लास्ट में एक ऐड आता है तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा और इसको आप यहां से डिलीट कर दीजिएगा। फिर आप इसके स्टार्टिंग में आइएगा और यहीं पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा टैब टू ऐड म्यूजिक, इस पर आप क्लिक कीजिएगा, म्यूजिक पे क्लिक कीजिएगा और यहीं से प्लस वाला आइकन पे क्लिक कीजिएगा, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पे क्लिक कीजिएगा। साउंड वाले वीडियो का लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। हम पहले से ही डाउनलोड करके रखे हैं तो चलिए उसको ऐड करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये रहा, तो चलिए हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि इस म्यूजिक का आप क्या नाम देना चाहते हैं, जो देना होगा आप यहाँ से लिखिएगा, नहीं देना होगा मत लिखिएगा। उसके बाद ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पर आपको साउंड देखने को मिल जाएगा और यहीं से चूज वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, फिर यहीं से आप डाउन पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको बीट के हिसाब से आपको फोटो को मैच कर लेना होगा। तो मैच करने के लिए सबसे पहले आप इसको जूम कीजिएगा दो फिंगर के हेल्प से। तो इसके टाइमलाइन को हम यहाँ पर जूम कर लेते हैं कुछ इस तरह से, आप अच्छे से कर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं कीजिएगा जूम, ठीक है, कुछ इतना ही रहने देते हैं। उसके बाद आप म्यूजिक बार में देखिएगा, जहाँ जहाँ पर ये जो लाइन है 12 होगा वहाँ वहाँ पर बीट गिरा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैच कर लेना होगा, ठीक है। तो मेरा जो पहला बीट गिरा है यहाँ पर आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते होंगे, तो जहाँ पर पहला बीट गिरेगा, ठीक है, वहाँ पर आप आ जाइएगा कुछ इस तरह से और अपने इमेज पर क्लिक कीजिएगा और इसको आप यहाँ से छोटा कर दीजिएगा, जहाँ पर बीट गिरेगा कुछ इस तरह से, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते होंगे, अच्छे से आप कर लीजिएगा। फिर आप स्क्रॉल करके आगे चलिएगा और देख लीजिएगा अगला बीट कहाँ पर गिरेगा, ठीक है। तो मेरा जो अगला बीट है यहाँ पर गिरेगा, तो वहाँ पर आकर के रुक जाएंगे, फिर अपने इमेज पे क्लिक करेंगे और इसको भी हम कुछ इस प्रकार से छोटा कर देंगे, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते होंगे। फिर आप स्क्रॉल करके आगे चलिएगा और देख लीजिएगा अगला बीट कहाँ पर गिरेगा, तो मेरा अगला बीट यहाँ पर गिरेगा, आप देख सकते होंगे ये जो लाइन है 12 हो जाएगा। तो यहीं पर हम रुक जाएंगे और अपने इमेज पर क्लिक करेंगे और इसको भी हम यहाँ से छोटा कर देंगे, इक्वल साइज में कर देंगे, जहाँ पर बीट गिरेगा कुछ इस तरह से। फिर हम स्क्रॉल करके आगे चलेंगे तो यहाँ पर मेरा अगला बीट गिरेगा, जहाँ पर गिरेगा वहीं पर रुकेंगे, फिर अपने इमेज पर क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ से छोटा कर देंगे। अगर यहाँ से आपको समझ में नहीं आता है तो आप प्ले करके देख लीजिएगा कहाँ कहाँ पर बीट गिरेगा, जहाँ बीट गिरेगा आप वहाँ से सेट कर लीजिएगा आप अपने इमेज को, ठीक है। तो मेरा अगला बीट एक यहाँ पर गिरेगा, तो हम यहीं पर आकर के रुक जाएंगे, अपने इमेज पे क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ से छोटा कर देंगे कुछ इस तरह से। तो ये जो काम है चलिए हम तेज़ी में करके आपको दिखा देते हैं, आप अपना मैच कर लीजिएगा। तो हम यहाँ से अपने सभी इमेज को बीट के हिसाब से मैच कर लिए हैं और लास्ट जो इमेज है इसको आप म्यूजिक के साइज के बराबर कर दीजिएगा कुछ इस प्रकार से, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते होंगे, ठीक है। तो हम कुछ इस प्रकार से रहने देते हैं, आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते होंगे। उसके बाद आप इसके स्टार्टिंग में आइएगा और ये जो फर्स्ट इमेज है इस पर आप चले आइएगा और यहीं से इफेक्ट्स वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आप अपने हिसाब से इफेक्ट्स लगा लीजिएगा। फर्स्ट इमेज में आप यहाँ से ये वाला इफेक्ट्स लगा लीजिएगा, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा बहुत सारा, इसमें से आपको जो अच्छा लगता है आप यहाँ से लगा
दीजिएगा, ये जो फ्लावर वाला जो इफेक्ट है इसको ही आप अप्लाई कीजिएगा इसमें। तो हम यहाँ से ये वाला अप्लाई कर लेते हैं, आप मेरे स्किन पर देख सकते हैं, इसमें से आपको जो अच्छा लग रहा है आप यहाँ से अप्लाई कर लीजिएगा। तो सबसे पहले इमेज के स्टार्टिंग में आइएगा और हम यहाँ से ये वाला इफेक्ट अप्लाई कर लेते हैं, और इसका ये जो एरो है इसको हम फुल साइज में कर लेते हैं, आप मेरे स्किन पर देख सकते होंगे। उसके बाद यहीं से डाउन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद ये जो इमेज जहाँ पर बीत गिरता है लगता है, ठीक है, इस पर आप अलग अलग इफेक्ट अप्लाई कर लीजिएगा। तो चलिए इसके टाइमलाइन को हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि हम इफेक्ट्स लगा सकें अच्छा से। तो हम इसके टाइमलाइन को जूम कर लेते हैं कुछ इस तरह से, आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते होंगे। उसके बाद आप अपने इमेज पर आइएगा, इफेक्ट्स वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और इसके स्टार्टिंग में आइएगा, और यहाँ पर आपको बहुत सारा इफेक्ट्स देखने को मिल जाएगा। तो इसमें से आपको जो अच्छा लगता है आप उसको अप्लाई कर लीजिएगा। तो हम इसमें अप्लाई करेंगे ये वाला शेक इफेक्ट वाला, आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और इसको फुल साइज में कर लीजिएगा इमेज का, ठीक है। उसके बाद डाउन पे क्लिक करेंगे, फिर हम इसके अगले इमेज पे आएंगे, इफेक्ट्स वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से आप देख लीजिएगा आपको कौन सा इफेक्ट अच्छा लगता है, आप यहाँ से अप्लाई कर लीजिएगा। तो अब हम करने वाले हैं जीतर डाउन वाला, आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते होंगे। चलिए आपको दिखा देते हैं ये वाला, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, सॉरी इस पर क्लिक हो गया, ठीक है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करेंगे और इसका भी साइज है फुल साइज में कर लीजिएगा, फिर यहीं से डाउन पे क्लिक कीजिएगा। फिर आप अगले इमेज पे आइएगा, इफेक्ट पे क्लिक कीजिएगा और इसमें आपको जो इफेक्ट अच्छा लगता है उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए हम अब लगा लेते हैं फिर से शेक इफेक्ट वाला, चलिए हम यहाँ से दे देते हैं जूम आउट वाला, चलिए, ठीक है। तो ये रहा, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और इसका भी साइज है आप फुल साइज में कर लीजिएगा, फिर डाउन पे क्लिक कीजिएगा। फिर अगले इमेज पे आइएगा, इफेक्ट्स वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से जो आपको अच्छा लगता है उसको आप अप्लाई कर लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ से कर लेते हैं अब शेक इफेक्ट वाला। तो आप यहाँ से अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपको जो अच्छा लगता है उसको आप अप्लाई कर लीजिएगा। तो हम इसको फुल साइज में कर लेते हैं और यहीं से डाउन पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ से ये जो काम है हम तेज़ी में करके आपको दिखा देते हैं। आप अपने सभी इमेज में इफेक्ट्स लगा लीजिएगा, आपको जो इफेक्ट्स अच्छा लगता है उसको आप अप्लाई कर लीजिएगा। तो चलिए ये जो काम है तेज़ी में करके आपको दिखा देते हैं। तो हम अपने सभी इमेज में इफेक्ट्स को अप्लाई कर लिए हैं, आप अपना कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा जो वीडियो है कम्प्लीट हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपको प्ले करके दिखा देते हैं कि हमारा जो वीडियो है कैसे बना है। तो चलिए हम इसे प्ले कर लेते हैं। तो हमारा जो वीडियो कुछ इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद इस वीडियो को सेव करने के लिए यहीं से एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा और आप यहां से क्वालिटी देख लीजिएगा और यहीं से डाउन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो हमारा जो एक्सपोर्टिंग है यहां से स्टार्ट हो जाएगा, आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते होंगे। तो अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप जल्दी से कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो हमारा जो वीडियो है एक्सपोर्ट हो चुका है। उसके बाद यहीं से सेव टू एल्बम वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, तो आपका जो वीडियो है गैलरी में सेव हो जाएगा।